हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक पर है, जो कि क्लास 7 की सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक है। इस टेक्स्ट बुक से जो लेसन नंबर 17 है, फिजी भारत से दूर एक छोटा भारत, इस पाठ के हम लोग मौखिक, लिखित और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। जो व्याकरण बोध है और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न तथा अन्य जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें पहले जो है देखिए मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का जो पहला है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय श्रमिकों को कहाँ भेजा? इसका उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय श्रमिकों को फिजी भेजा। अगला प्रश्न है ख नंबर, वहां भारतीय श्रमिक क्या कहलाए? इसका उत्तर है वहां भारतीय श्रमिक गिरमिटिए कहलाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर ग, वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप क्या ले गए थे? इसका अगला देखिए यहाँ पे आगे उत्तर है, वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप रामायण व राम कृष्ण हनुमान शिव आदि से संबंधित भजन गीत आदि ले गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर घ है, फिजी कितने द्वीपों का समूह है? इसका उत्तर है फिजी 343 द्वीपों का समूह है, मीन्स 343 द्वीपों का समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर अंग, फिजी को स्वतंत्रता कब मिली? इसका उत्तर है फिजी को स्वतंत्रता 10 अक्टूबर 1970 को मिली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ किस भाषा को पूर्ण मान्यता प्राप्त है? इसका उत्तर है यहाँ हिंदी भाषा को पूर्ण मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर, यहाँ हिंदी के लगभग कितने समाचार पत्र निकलते हैं? इसका उत्तर है यहाँ हिंदी के लगभग 5 समाचार पत्र निकलते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है। अभी तक हमने मौखिक प्रश्न देखा, अब है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला जो है, भारतीय श्रमिक महीनों लंबी समुद्र यात्रा करके कहाँ पहुंचे और क्यों? इसका उत्तर है भारतीय श्रमिक महीनों लंबी यात्रा करके फिजी पहुंचे क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें चीनी उद्योग की स्थापना करने के लिए ले गई थी। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, गिरमिट के कठोर दिनों में उन्हें किसने साहस दिया और कैसे? उत्तर है गिरमिट के कठोर दिनों में उन्हें रामायण यानी कि रामचरितमानस की चौपाइयों ने साहस दिया, इसलिए वे इन चौपाइयों को पढ़ते रहते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सन 1916 तक कितने श्रमिक फिजी पहुंच चुके थे? इसका उत्तर है सन 1916 तक लगभग 60,000 मीन 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक फिजी पहुंच चुके थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, फिजी की स्वतंत्रता के बाद प्रवासी भारतीयों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर है फिजी की स्वतंत्रता के बाद प्रवासी भारतीयों की स्थिति में यह परिवर्तन आया कि अब प्रत्येक प्रवासी भारतीय यहाँ का न केवल सम्माननीय बल्कि महत्वपूर्ण नागरिक है। देश के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में उनका पर्याप्त प्रभाव है। प्रश्न नंबर 5, फिजी की अर्थव्यवस्था में किस उद्योग का विशेष महत्व है? इसका उत्तर है फिजी की अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का विशेष महत्व है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, क्या फिजी केवल परंपराओं का देश है? उत्तर, फिजी केवल परंपराओं का ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सोच वाला देश भी है।
अब प्रश्न नंबर 6 हमारा लघु उत्तरीय समाप्त हो गया। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला वाला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1, गिरमिट भारतीय श्रमिकों के लिए समर भूमि किस प्रकार थी? इसका उत्तर है, गिरमिट काल में ब्रिटिश सरकार के आदेश के अनुसार चीनी उद्योग स्थापित करने के लिए भारतीय श्रमिक जी जान से जुट गए। ठीक है, जी जान से जुट गए। उन्हें रात दिन कठोर परिश्रम करना पड़ा, इसलिए गिरमिट भारतीय श्रमिकों के लिए एक समर भूमि थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, फिजी द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, फिजी द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। हरे हरे नारियल के वृक्ष और सुनहरी बालू से फिजी का समुद्र तट घिरा हुआ है। यहाँ के सौंदर्य को बढ़ाने में प्रकृति ने भी उदार हृदय का परिचय दिया है। यह सभी द्वीप ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे किसी सरोवर में खिले हुए कमल के फूल हों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, फिजी को छोटा भारत कहना सर्वथा उचित है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित कीजिए मीन्स प्रूफ कीजिए, है ना। इसका उत्तर देखिए, फिजी को छोटा भारत कहना सर्वथा उचित है, क्योंकि भारत की प्राचीन परंपराओं को यहाँ के लोग आज भी धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। फिजी में भारत के अनेक प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। फिजी में टीन की छत के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ विवाह संस्कार आदि वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण के साथ किए जाते हैं। इन्हीं भारतीय परंपराओं के कारण फिजी को छोटा भारत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रामचरितमानस ने प्रहरी के समान प्रवासी भारतीयों की रक्षा कैसे की है? कैसे की? इसका उत्तर है, संघर्ष के कठोर दिनों में रामचरितमानस की चौपाइयां ही संबल बनी थी, अतः रामचरितमानस ने एक प्रहरी के समान फिजी के प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में यहाँ के राष्ट्रीय पर्वों और पूजा स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे? इसका उत्तर है, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में यहाँ राष्ट्रीय पर्वों और पूजा स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ के लोग सभी धर्मावलंबियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों के बीच भाईचारा यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर्याप्त मात्रा में हैं। सभी धर्म के लोग भारतवर्ष की तरह ही अपने अपने धर्म के पर्व, राष्ट्रीय पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का फिजी में क्या स्थान है? इसका उत्तर है, फिजी में हिंदी भाषा को संसद में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यहाँ के स्कूलों में पहली से दसवीं तक हिंदी की शिक्षा दी जाती है। पाठ्य पुस्तकें फिजी के हिंदी विद्वानों द्वारा तैयार की जाती हैं। उनमें अनेक रचनाएं भारतीय साहित्यकारों की होती है। हिंदी कवि पंडित कमला प्रसाद मिश्र फिजी के राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, फिजी के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, फिजी के दर्शनीय स्थान हैं, देखिए कौन कौन से है यहाँ पर दिया हुआ है, एक पर्वत पर चट्टानों द्वारा स्वतः बनी हुई पिता पुत्र की मूर्ति, एक झील में तैरता हुआ द्वीप, एक पर्वत पर स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग की मूर्ति आदि। इसके अतिरिक्त रंग बिरंगे वन, फूलों से लदी हुई डालियां और खुली हुई हरियाली दृष्टव्य है।
तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।